इंदौर में 42 लाख के घोटाले सहित प्रदेश के कई जिलों में आबकारी दुकानों व अन्य मामलों में करोड़ों का घोटाला करने वाले राजधानी में पदस्थ आबकारी अधिकारी संजीव दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आबकारी विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने संजीव दुबे के कार्यकाल में जिन जिन जिलों में वसूली बकाया है उसकी जानकारी तत्काल भेजने के निर्देश विभाग के वरिष्ठ अफसरों को दिए हैं, जिससे संजीव दुबे पर कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि संजीव दुबे ने इंदौर, धार, देवास, रतलाम, विदिशा में करोड़ों का घोटाला करके सरकार के खजाने को भारी मात्रा में चूना लगाया है, लेकिन संजीव दुबे पर राजनेताओं का संरक्षण होने के कारण कार्रवाई से बचते रहे हैं। वहीं इंदौर के कांग्रेस नेता राकेश यादव ने संजीव दुबे द्वारा इंदौर, मुंबई, भोपाल, सीहोर और रीवा में खरीदी गई चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी देने का बताया है। इंदौर आबकारी कार्यालय में वर्षों से डटे हुए हैं, जो शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार करके करोड़ों की काली कमाई कर रहे हैं।